खन्ना। सो गाइस आज है 11 जुलाई, दिन है आज थर्सडे। तो मैं कल 12 जुलाई का जो व्लॉग है आज से स्टार्ट कर दिया है। अभी बज रहे शाम के 4 और मम्मी गई हैं डॉक्टर के पास। अभी अभी मैंने जो अपनी एक लाइव है वो ख़त्म करी है और मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। मैं इनका व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बेड वगैरह जो मैसी हो रहा है पहले वो मैंने सही किया, फिर मैं आप लोगों से बातें करने लग गई कि मुझे आप लोगों को बहुत दिन से कुछ दिखाना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा भाई गया हुआ है मसूरी और मसूरी से वो लेकर आया था गिफ्ट्स दीयू के लिए। एक टैंक लेकर आया था, वो आपने देखा ही था, वो आर्मी टैंक होता है, वो आपने शायद ही देखा हो या देखा भी हो तो मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी ही। दीयू नहीं मत करो, ख़राब हो जाएगा, फिर काजल लगा दूँगी मैं। तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूँगी, आज मैं सब दिखा दूँगी। घर पर है लेकिन वो घर पर जाके मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो क्लिप। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ जो गिफ्ट यहाँ पर है और मुझको घर लेके जाने हैं वो, तो वो दिखा देती हूँ कि मसूरी से वो क्या लेकर आया था। वो घूमने गया था दोस्तों के साथ जस्ट, तो दीयू के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए और मेरी बहन के लिए कुछ लेकर आया है। और सोना के लिए पता है वो इसलिए ही लेकर आ पाता क्योंकि सोना की खुद की शॉप है टॉयज़ की, तो समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या लेकर आए तो बस उसके लिए कुछ नहीं लेकर आता, दीयू के लिए लेकर आया है। और बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया है दीयू के लिए, बहुत ही स्पेशल सी चीज़, आप लोगों को भी होप पसंद आएगी। और 3 चीज़ लेकर आया है, सेम क्या थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंस है, तो आप लोग मुझे बताना कि मैं कौन सी चीज़ लूँ, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चलता है हमारे ब्लॉग में आगे 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 आगे, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ। एक ये पर्स है जो लेकर आया है, वो काफ़ी अच्छा सा है, ये लेटेस्ट से पर्स हैं और 2 जिप है इसमें। खोल के देखती हूँ, एक हाथ से खुल जाता है तो ठीक है। ये ऐसे करके, और ये साइड पर्स भी बन जाएगा क्योंकि इसमें ये काफ़ी लंबी सी जो है ये डोरी है, ये काफ़ी लंबी सी डोरी है, तो ये साइड पर्स भी बन जाएगा। काफ़ी स्पेस है इसमें, बट इसमें मेरा फ़ोन नहीं आया। इसमें मैंने फ़ोन डालने की कोशिश करी, मेरा फ़ोन जो है इसमें नहीं आया, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ब्राउन कलर का है ये, और आप लोगों को पता नहीं कलर कैसा दिख रहा है बट ब्राउन कलर है ये, और मुझको बहुत अच्छा लगा था ये पर्सनली। तो 3 पर्स लेकर आया, तीनों में से कोई भी ले लेगा, मैं, मम्मी, मेरी बहन, तीनों में से कोई सा भी ले लेगा। मेरा फ़ोन इसमें नहीं आया तो दीयू को मैं ये वाला दे देती हूँ। एक है ये पर्स, जयपुरी प्रिंट है, काफ़ी अच्छा है, हैंडल दिया रखा है इस तरीके से कैरी करने के लिए इस तरीके से, और अपनी समझ से वो अच्छे पर्स लेकर आया है। और इसमें चेन कहाँ गई, हाँ इसमें ये साइड से चेन है, यहाँ से साइड से चेन है, इसमें 1 2 3 4 5 पार्टीशन बने हुए हैं इसमें, 2 चेन वाले हैं, 3 नॉर्मल है, तो ये 5 पार्टीशन है। अच्छा पर्स है, और इसका एक कलर ये है, दीयू मुझे दिखाने नहीं दे रही तो जैसा दिखा रही हूँ वैसा प्लीज़ माइंड मत करना है और एडजस्ट कर लेना। अरे ये कलर है, मुझे ये वाला ही पसंद आया है, आप लोग बताना मुझे कौन सा लेना चाहिए, ये वाला या फिर ये वाला, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे ये वाला अच्छा लगा वैसे तो, ठीक है। और दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या लेकर आया है वो। सो नेक्स्ट लेकर आया है ये दीयू का लहंगा चुनरी, दीयू के लिए लहंगा लेकर आया है ये। ये आगे से इस तरीके का, पीछे से प्लेन है और ये थोड़ी थोड़े से बूटे बूटे बने हुए हैं, पूरा ये इसी तरीके का वर्क है। ये इसकी चोली है, ये इसकी चोली है, बहुत ही अच्छा सा है ये लहंगा। पीछे से ये इस तरीके का है, डोरी वाला ब्लाउज है, ये जन्माष्टमी वगैरह पे पहना सकती हूँ दीयू को मैं, और जब अष्टमी नवमी होती है तब पहना सकती हूँ, ये ऐसे कपड़े तभी काम आते हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कलर कॉम्बिनेशन, ब्लू रेड और इसमें येलो कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दीयू को तो बहुत पसंद आया, साथ में चुन्नी भी है, देखो ये चुन्नी भी है, छोटी छोटी सी चुन्नी। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग अगेन, और टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 7:15 और सो के उठ गई हूँ मैं, फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश कर लिया है, ब्रश भी कर चुकी हूँ मैं, और बस अभी मेरे को बाल सुलझाने हैं अपने और उसके बाद मैं आगे को कोई काम करूँगी। लेकिन बताऊँ, सच बताऊँ, अभी भी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। दीयू सो रही है तो मैं सोचूँ 1 घंटा मैं भी सो जाऊँ, दोबारा से फ्रेश हो जाऊँगी यार अच्छे से। नींद आ रही है बहुत। आज राखी और कशिश चली गई हैं, 6:15 चली गई थी, दोनों नहा के चली गई थी, नहा के स्कूल की ड्रेस पहन के चली गई थी दोनों। अभी घर पर ही हैं, अभी नहीं गई हैं, पैदल जाती हैं वो स्कूल, तो 1/2 घंटा पहले निकलना पड़ता है उनको, पैदल जाना पड़ता है उनको। चारों बहनें पैदल जाती हैं, आती भी पैदल ही हैं वहाँ से, और 2-3 किलोमीटर दूर है स्कूल, इतना चलना पड़ता है रोज़ इनको। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, आज आएगी दोबारा से आएगी बारिश, कल भी आई थी, परसों भी आई थी, आज भी बारिश आएगी, पता नहीं कब तक आएगी। बच्चे आ रहे हैं तभी आनी चाहिए बारिश, अच्छा लगता है जब बच्चे आते हैं तो नहा लेती हूँ कम से कम उनके साथ। तो चलिए हमारी मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है, आगे आगे देखते हैं ब्लॉग कैसे जाता है, कब तक चलता है, ठीक है, और बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अपना जो नाश्ता है उसको निकाल रही हूँ। और नाश्ते में मैंने आज मंगाए हैं ज़ोमैटो से छोले भटूरे, क्योंकि कुछ बनाने का मन नहीं था, बनाने का क्या आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं छोले भटूरे मंगा लेती हूँ और दोपहर तक मैं ले ही आऊँगी, जो राशन है मेरा बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो मैंने कहा पहले चलो मंगा लेती हूँ, दीयू और मैं ये खा लेते हैं तब तक। तो बस मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया, जो ऑफ़र चल रहे होते हैं उसमें मैंने 49 रुपीज़ के मैंने छोले भटूरे ऑर्डर करे, साथ में मुझको मिले ये छोले भटूरे के साथ मुझको मिला एक गुलाब जामुन फ्री मिला। तो बस यही मेरा लंच है आज, ब्रेकफास्ट है। और दीयू भी आ गई है यहाँ पर किचन में मेरे पीछे पीछे, और इसको बड़ी एक्साइटमेंट सी होती है जब कोई डिलीवर करके जाता है फूड कोई भी। मैं मंगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, जो लोकेलिटी है हमारे इधर की ऐसी है तो बड़े अजीब तरीके से देखते हैं वो लोग, उनको पता नहीं है ये ज़ोमैटो स्विगी उबेर वगैरह कुछ नहीं पता, सो मैं अवॉइड करती हूँ। जब मैं मम्मी के घर होती हूँ तब मैं वहाँ पे मंगा लेती हूँ कुछ ना कुछ जो भी मेरा मन करता है, बट यहाँ पे अवॉइड करती हूँ। तो बहुत पास में ही हमारे यहाँ पिंकी छोले भटूरे, वो बहुत फेमस है, तो बस वहीं से मंगाए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और बस मैं प्लेट में लगा रही हूँ सब चीज़ें, दीयू और मैं फिर बैठ के अंदर खा लेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी प्लेटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, देखिए छोले भटूरे, तो यहाँ पे मुझको 49 में मिले हैं ये भटूरे, 2 सैलेड और छोले और ये गुलाब जामुन, और सैलेड में अचार भी है गाजर का, मिर्च का और प्याज। तो मेरा जो नाश्ता है वो हो चुका है, मैंने भी कर लिया, दीयू ने कर लिया, और दीयू नहा धो के चली गई नानू के साथ रोज की तरह। आप लोग सोचेंगे रोज़ रोज़ भेज देती हूँ, बट नानू और नानी का उसका मन नहीं लगता है, मैं रुक गई किसी कारण से, मुझे थोड़ा बहुत काम निपटाना है अपना, और बस और मुझको राशन लेकर आना है अपना, राशन मेरा ख़त्म हो रहा है, आटा चावल रिफाइंड और 1-2 दालें हैं वो ख़त्म हो रही है मेरी, क्योंकि मैं 7 महीने से मैं कुछ लेकर ही नहीं आई खरीद के राशन। चावल मैंने लिए थे, चावल दिसंबर में लिए थे मैंने, तो
वो ये मैं 7 महीने बता रही हूँ, कल मेरे हस्बैंड को 8 महीने हो गए थे 10 तारीख को, तो मेरा जो राशन है अभी तक आया नहीं है, तो मुझको राशन भी लेकर आना है, मुझको ये काम है, तो बस वो ही सोच रही हूँ। दीव नानी के यहाँ चली जाती है तो उसी टाइम ले आऊँगी, फिर शाम को फिर राशन लेने जाओ, सामान थोड़ा हैवी भी हो जाता है, और फिर दीव को भी लेकर चलो, तो बस ये काम निपटाऊँगी आज, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कल मैंने सोचा पराठा बना लूँ तो ऑयल नहीं था, मुझे याद ही नहीं रहता, ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं रहती, क्योंकि बनता बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन होना चाहिए सब कुछ, मेरा तो मानना यही है सब कुछ होना चाहिए, चाहे बने बहुत कम, जब बनाने बैठो तब सब चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज राशन लेकर आऊँ, और बस टिकटॉक पे आपने सुना ही होगा मिस्टर फैसू टीम 07 बैन हो गई है, वो भी सिर्फ अपनी एक वीडियो की वजह से, और उस वीडियो के लिए बोला जा रहा है कि वो हिंसा को बढ़ावा दे रही है, आतंकवाद को बढ़ा रही है, जो भी है। तो मुझे बहुत बुरा लगा टीम 07 के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मेहनत कर रही थी वो, और कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं वो, और पता नहीं कितनी मेहनत करी है उन्होंने, जैसे कि हम लोग करते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और इंतज़ार करते हैं कब हमारी वीडियो वायरल हो जाए, कैसे ना कैसे हो जाए, तो उन्होंने वीडियो बनाई, पता नहीं कितनी बनाई, और पता नहीं कितनी बनाने के बाद उनकी वीडियो वायरल हुई है, और अचानक ऐसे उनका चैनल जो है बैन कर दिया गया है, और सिर्फ उन्हीं का ही बैन किया गया, वरना आधी दुनिया ने, पता नहीं 1.7 मिलियन लोगों ने, यानी आधी दुनिया ने बनाई थी जो वीडियो है इसी टॉपिक पे, बट फिर भी सिर्फ इन्हीं का बैन कर दिया गया, इन पांचों का चैनल, सिर्फ इसलिए कि शायद ये, आप लोग समझ ही रहे होंगे मिस्टर फैसू नाम से, कि शायद ये, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ कई बार, फिर मुझको ट्रोल भी किया जाता होगा इस चीज़ के लिए, बट मुझे बहुत बुरा लगा उन लोगों के लिए, मिस्टर फैसू के लिए, टीम 07 के लिए। तो बस विश करूँगी कि उनका चैनल जो बैन हुआ है वो फिर से रिलीज़ हो जाए फटाफट से, और बहुत सारे लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे नेता हैं जो इनको सपोर्ट में आगे आए हैं, तो अच्छा लगता है कि सही का साथ दे रहे हैं लोग। और बस आज का व्लॉग यहीं तक, रोज़ रोज़ लंबा हो जाता है ना, तो ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं, मिलूँगी आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।